रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और चिकन कढ़ाई। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 1 kg हम चिकन ले लेंगे, 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चे, 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, 4 बड़े टमाटर का पेस्ट बना लिया। स्पाइसेस हम इसमें साथ साथ ऐड करेंगे वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ले ली एक कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया ऑयल, और साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे।这一次我真的睡着了。इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और साथ ही अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इससे हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा। साथ ही हम 1 दालचीनी और 2 लौंग इसमें डाल देंगे। मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, साथ ही इसमें हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें साथ ही अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्चे। 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के दम पर लगा देंगे, ताकि हमारा जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और जो हमारा चिकन है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से भूनेंगे। जो हमारा पहले पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है, अब हम इसको सही अच्छे से बस हम 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। बस हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी अब हम इसको डिश में डाल दें। हमने इसको डिश में डाल दिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें हरी मिर्ची जो है वो मैंने स्लाइस में काट ली है। तो जी व्यूअर्स हमारी वीडियो हो चुकी है। व्यूअर्स हमारी चिकन कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।